के महीने में कहीं भीषण गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं तो कहीं भारी बारिश ने तबाही मचाई है। कुछ राज्यों में मॉनसून की बारिश देखने को मिल रही है तो कई राज्यों में चक्रवात बिपरजॉय के असर से भारी बारिश हो रही है। राजधानी नई दिल्ली में भी चक्रवात के असर से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अभी 23 जून तक पूर्वी भारत और मध्य भारत से जुड़े राज्यों में हीटवेव की स्थिति रह सकती है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ और हिस्सों, ओडिशा गंगेय पश्चिम के कुछ और हिस्सों में जैसे बंगाल झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो नई दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं नई दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 27 जून तक नई दिल्ली के इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसी के साथ दिल्लीवासियों को 40 डिग्री वाले टॉर्चर से राहत रहेगी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रह सकता है। वहीं लखनऊ में भी आज गरज के साथ एक या दो बार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो लखनऊ में भी 27 जून तक मौसम खुशनुमा रहेगा। गाजियाबाद की बात करें तो आज यहां न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल उत्तरी छत्तीसगढ़ ओडिशा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश रायलसीमा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। वहीं मध्य महाराष्ट्र कोंकण और गोवा दिल्ली और उत्तर पूर्व राजस्थान में हल्की बारिश संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली समाचार।